क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट साइंस। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर नंबर वन साइंस के पार्ट फिजिक्स में। कल हमने प्रीवियस वीडियो में क्या करा था, इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करा था बाय जर्नल मेथड। आज हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करते हैं इनका प्रूफ। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ किस प्रकार से करा जाता है देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें इन इक्वेशंस का प्रूफ करना है। तो हमने यहाँ पर एक ग्राफ लिया है बच्चों, ये लिया है हमने वाई एक्सिस, ये हमने लिया है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने लिया है बच्चों टाइम, शुरुआत में टाइम जीरो था इनिशियली, और फाइनली टाइम था हमारा टी। तो हमने मान के चले कि इनिशियल स्पीड हमारा यू था, शुरुआती रफ्तार हमारा यू था, वो हमारा यहाँ तक था, इसे यहाँ से हमने यहाँ तक मिला लिया। फिर फाइनल में जो हमारा स्पीड हुआ बच्चों, वो फाइनल में स्पीड हमारा यहाँ से यहाँ तक का हुआ हमारा वी। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्पीड हुआ हमारा वो फाइनल, यानी शुरुआत आप कर दीजिए बाद तक का आपका वी हो जाता है। ये पूरा वी है, ये सेक्शन आपका यू का है, तो बचा हुआ सेक्शन आपका होता है वी माइनस यू का। और जहाँ पर वेलोसिटी में चेंज आता है वही आपका एक्सेलरेशन होता है बच्चे। तो ये आपका हो गया एक्सेलरेशन, ये ग्राफ आपने ड्रॉ करा है। इधर है आपकी वाई एक्सिस पर वेलोसिटी, वेलोसिटी जो मीटर पर सेकंड में है। एक्स एक्सिस पर है आपका टाइम जो सेकंड में है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करते हुए, तीन इक्वेशन एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी थी। एक थी हमारी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक था हमारा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाय टू ए टी का स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन था हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, तो अब हम इनका प्रूफ करते हैं। ये वेलोसिटी में चेंज यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन एक प्रकार से क्या है, हमारी स्लोप है, ये स्लोप हमारी एक्सेलरेशन है बच्चे। तो स्लोप होती है हमारी, स्लोप इज इक्वल टू होता है हमारा वाई बाय एक्स, स्लोप होता है हमारा वाई बाय एक्स। स्लोप कितनी है हमारी बच्चे, ए की है, ये पहली का प्रूफ चल रहा है। तो स्लोप कितनी है हमारी, ए है। वाई पर कितना है हमारा फैक्टर, वी माइनस यू है, और एक्स है हमारा टाइम यानी कि टी, टी तो ये वी माइनस यू है अपॉन में टी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो v माइनस यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए टी, और v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका u प्लस ए टी। ये आपके पहले इक्वेशन का प्रूफ हो गया बाय ग्राफिकल मेथड। अब शुरू करते हैं प्रूफ नंबर सेकंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो प्रूफ नंबर सेकंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पूरे के पूरे ही सरफेस का, इस पूरे के पूरे सरफेस का हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा, तो हमारा सेकंड इक्वेशन प्रूफ हो जाएगा। आप कई तरीके से इसे प्रूफ कर सकते हैं, तो चलिए दो चीज़ों को हम लेकर चलते हैं। तो एरिया यानी सरफेस एरिया, एरिया जो टोटल डिस्टेंस होगा वो किस किस का एरिया किस किस के इक्वल होगा। एक ये रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका एरिया प्लस ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इसका एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ये है टोटल एरिया या टोटल डिस्टेंस आप कह सकते हैं, टोटल एरिया या टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए टोटल एरिया यानी कि आप डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस है आपका एस इज इक्वल टू में। तो जब आप रेक्टेंगल के एरिया की बात करते हैं तो डिस्टेंस कितना है, इसका लेंथ कितना है टी है, टी माइनस जीरो यानी टी है, और इसका ब्रेथ कितना है यू माइनस जीरो यानी यू है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि यू, और साथ में रहेगा आपका टी, यू इंटू टी, ये एरिया होगा रेक्टेंगल का। प्लस एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया ये है हमारा, ये होता है वन अपॉन टू बेस इंटू हाइट। तो वन अपॉन टू तो रखा सेम, बेस कितना है हमारा, ये पूरा टी है नीचे का, तो ये पैरेलल लाइंस है, बीच का डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस आपस में सेम है। तो अगर ये पूरा टी है तो ऊपर वाला सेक्शन भी हमारा टी का ही है, तो बेस तो हो गया टी। और हाइट हमारी कितनी है, हाइट है हमारी इसकी वी माइनस यू, तो ये रखा हमने यहाँ पर वी माइनस यू। ठीक है, तो अब इसे इक्वेशन नंबर हमने वन कह दिया। अब हम क्योंकि पहली इक्वेशन का प्रूफ कर चुके हैं बच्चों, तो पहली इक्वेशन के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर कि वी नो दैट
वी नो दैट वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। इस वी माइनस यू के वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में ले जाकर पुट कर देते हैं तो हमारा पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन प्रूफ हो जाता है। तो लिखेंगे बाय रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ ए टी ये सेकंड इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन में रिप्लेस कर देते हैं। इक्वेशन नंबर वन हमारा था तो यहाँ पर लिखते हैं बाय इक्वेशन वन एस इज इक्वल टू वो था यू टी प्लस वन बाय टू टी और वी माइनस यू की जगह रिप्लेस करते हैं ए टी तो मल्टीप्लाई में रहेगा आपका ए टी। तो इक्वेशन क्या जनरेट हो गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाय टू ए टी का स्क्वायर। ये आपका सेकंड इक्वेशन यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। आई होप सबको ये डेरिवेशन समझ में आ रहा होगा ग्राफिकल मेथड से। अब निकालते हैं थर्ड इक्वेशन का प्रूफ। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ग्राफ में क्या करना है, जब हमें टोटल ग्राफ का डिस्टेंस हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो टोटल ग्राफ के डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें पूरे के पूरे का ही एरिया निकालना होगा। तो पूरा हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है पूरी की पूरी ट्रैपीजियम है और ट्रैपीजियम का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो एस इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड का वैल्यू यू है और दूसरी का वैल्यू है वी। तो यू प्लस वी डिवाइड बाई टू और मल्टीप्लाई बाई बीच का डिस्टेंस है टी। तो रख देते हैं और बनता है हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रैपीजियम इज इक्वल टू वन अपॉन टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो जैसा कि आपने ग्राफ में देखा एरिया ऑफ ट्रैपीजियम एस है 1/2 पैरेलल साइड का सम यानी वी प्लस यू और हाइट कितनी है हमारी टी है। जब आप थर्ड इक्वेशन को देखते हो थर्ड इक्वेशन में आप देखते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इसमें फाइनल वेलोसिटी वी है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, एक्सेलरेशन ए है और डिस्टेंस एस है या डिस्प्लेसमेंट एस है। टाइम नहीं है पर जो हमारे पास में इक्वेशन यहाँ पर बनी है इसमें टाइम है तो इसको मतलब इस इक्वेशन से टाइम को एलिमिनेट करना होगा। अगर इस इक्वेशन से टाइम एलिमिनेट हो गया तो इक्वेशन हमारा प्रूफ हो गया। तो टाइम को एलिमिनेट करने के लिए हम जानते हैं वी नो दैट वी इज इक्वल टू होता है यू प्लस ए टी। तो वी माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए टी। तो अब टी को एलिमिनेट करने के लिए टी का वैल्यू निकाल देते हैं वो होता है हमारा वी माइनस यू डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू में टी। ये वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर वन में रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कहते हैं बाई इक्वेशन नंबर वन एस इज इक्वल टू 1/2 वी प्लस यू, टी का वैल्यू है वी माइनस यू डिवाइड बाई ए। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू, सेम रखा वी प्लस यू इंटू में वी माइनस यू इज इक्वल टू में 2as। अब ध्यान से देखिए बच्चों ये a प्लस बी है ये a माइनस बी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब जो हमारे पास में करंट इक्वेशन है वो क्या है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में है 2as। ये यू स्क्वायर जो है इनिशियल वेलोसिटी इधर नेगेटिव है लेफ्ट साइड में, जब राइट साइड में उठाकर लेकर जाएंगे तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें इक्वेशन मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे थर्ड इक्वेशन का बायोग्राफिकल मेथड प्रूफ था। आई होप सबको ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।